कलीना यूनिवर्सिटी अलग है ना, मुंबई। अच्छा देख स्टार्ट हो क्या स्ट्रीम? मेरे को मैसेज आएगा पर आया नहीं अभी तक। इधर तो आ गया। चलो हो गया। आ गया। गाइस सो गाइस दिस स्ट्रीम हैज बीन स्टार्टेड। सो गाइस 7:54 हो रहा है गाइस, फटाफट ज्वाइन हो जाइए फिर विल स्टार्ट आवर स्ट्रीम। तो गाइस फटाफट ज्वाइन इन हो जाइए। सो गाइस फटाफट ज्वाइन इन कर लीजिए, मैच स्टार्ट 8 को स्टार्ट हो जाएगा। हर्षल हर्षल
सो गाइस 49 बंदों ने ज्वाइन कर लिया है, फटाफट ज्वाइन इन हो जाइए। प्लेयर्स ने गाइस ज्वाइन इन कर लिया है। हर्षल हर्षल नोट में लिखना 13, 15 और 17। टीम 13, 15 और 17। फिफ्टीन और सेवेंटीन सेवेंटीन हाँ बस। सो गाइस जल्दी ज्वाइन इन कर लीजिए, 8 बज चुके हैं। विल स्टार्ट आवर मैच सून। सो गाइस 13, 15 69 बंदों 70 बंदों ने ज्वाइन इन कर लिया है। सो विल स्टार्ट अस मैच सून। सेवेंटीन कट कर दिया आशिल। गाइस 74 बंदों ने ज्वाइन इन कर लिया। लेट्स सी प्लेयर्स आ चुके हैं गाइस। जो भी सब्स्टिट्यूट्स है ग्रुप में बोलिए, पर्सनल पे डीएम मत कीजिए, तो कुछ होगा नहीं। गाइस कॉल भी मत कीजिए प्लीज। टीम 13 एंड टीम 15 विल बी बैंड। सो गाइस 80 प्लेयर्स आ चुके हैं। विल स्टार्ट अ मैच सून।
गाइस 1 more minute एंड देन विल स्टार्ट आवर मैच. And guys, the game has been started. So let's see zone कहाँ पे बनेगा. And guys, this team has been started. So 84-85 players आए हुए इस match में. So match में बहुत ही मजा आएगा इस game में. Let's see कौन सी टीम आज चिकन डिनर लेके जाएगी. So guys, teams बहुत बढ़िया आई हुई है. नई टीम भी बहुत सारी है, पुरानी टीम भी बहुत सारी है. और अपनी नॉर्मल कंपाउंड होल पर भी नॉर्मल फाइट्स जोन कहाँ पे बनता है सेकेंड में. जोन बन चुका है सेवनी से नोवो की तरह. सो जोन काफ़ी बेहतरीन बना है. सेवनी के अंदर बहुत बंदे ड्रॉप लेंगे, रोजॉक के अंदर भी बहुत बंदे ड्रॉप लेंगे, जॉर्जो के अंदर भी बहुत बंदे स्कॉट्स ड्रॉप लेगी और नोवो में भी बहुत सारी स्कॉट्स ड्रॉप लेगी. तो सभी स्कॉट्स अपनी अपनी जो लोकेशन है उस पर जाएंगे और लेट्स सी फाइट्स मिलने हमें मिल सकती है क्या अर्लियर फाइट्स, क्योंकि सभी टीम लास्ट के जोन तक तो रहती ही है. लेट्स सी. और यहाँ पे फर्स्ट टीम उतरी है इमोर्टल की टीम जो जाएगी झांकी की ओर या फिर जॉर्जो सिटी की ओर. रशिया की टीम यहाँ पे उतर चुकी है, डीसी की टीम उतर चुकी है, टीम जीवन की टीम उतर चुकी है, टीम गैरी जो है 69 उनकी भी टीम उतर चुकी है, टीम 25 भी उतर चुकी है. सो पोक की टीम भी उतरी है. तो सभी टीम से अपना अपना ड्रॉप लेना स्टार्ट कर दिया. चलिए बैक की स्क्वाड को यहाँ पे स्पेक्टेट करते हैं. यहाँ पे बैक की स्क्वाड जाएगी शायद कोचिंग की तरफ. दोनों बैक की स्क्वाड की फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी. लेट्स सी कि कौन सी टीम बैक जो है पोचिंग की काउंटर कर पाएगी. यहाँ पे पोक की टीम भी और ये बेहतरीन पैराशूट है पोक टीम. सो यहाँ पे पोक टीम रोजॉक पे है उतरी है. यहाँ पे ईएमपी की स्क्वाड उतरेगी मिलिट्री बेस की तरफ. टीम यूएनपी उतरेगी शायद फेरी पे या फिर फार्म साइड लूटेंगी. सो सभी टीम छोटी छोटी जो टीम रहती है वो कंपाउंड्स लूटती है, जो छोटे कंपाउंड्स है वो लूटती है. इमोर्टल की स्क्वाड भी यहाँ पे जॉर्जो सिटी लूट रही है. सो यहाँ पे सभी टीम ने अपना ड्रॉप को ले लिया है. सो फर्स्ट टीम कौन सी लेगी वो देखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे स्कल विजय टीम, मॉडिफाइड हंगर्स की टीम यहाँ पे. सो इनकी मैच होगी शायद टीम बीस्ट के साथ. बीस्ट और टीम मॉडिफाइड हंगर्स है उनकी मैच भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे. तभी बीस्ट वोर्टेक्स तो बीस्ट टॉक्सिक यहाँ पे टीटीवी लेते हुए. तो यहाँ पे दोनों टीम्स का फाइट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. सो दूसरी टीम से यहाँ पे एक्सपेक्टेड करते हैं कि तीन टीम्स आई हुई है यहाँ पे कोचिंग की में जो है टीम बैड एलीट एंड टीम नॉक. सो सभी टीम्स ने अपने अपने छोटे छोटे कंपाउंड होल्ड कर लिए और यहाँ पे फाइट्स इंटेंस होने वाली है. लेट्स सी कौन सी टीम फर्स्ट नॉक होती है. और यहाँ पे आईएनटी मॉन्स्टर ने शार्क किंग को नॉक कर दिया है और फुल फिनिश डाल दिया है लॉर्ड अभिराज. यहाँ पे इनकी फाइट हो गई है. शार्क की स्क्वाड के पास यहाँ पे लूट ही नहीं है. सो शार्क डेविल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए पीछे फॉल बैक करेंगे और टीम आईएनटी मॉन्स्टर ओपी इनकी भी हेल्थ बहुत कम है. सो यहाँ पे शार्क डेविल लूटेंगे. शार्क डेविल को देखते हैं. लॉर्ड अभिराज भी यहाँ पे शायद पीछे भाग जाएंगे. कडलप को यहाँ पे स्पॉट किया और यहाँ पे आते हुए लेकिन थोड़ा सा बच चुके.
लेट्स सी गाइस शॉट्स होगा क्या। और यहाँ पे आईटी मॉन्स्टर ओपी को फुल फिनिश डाल दिया है। सो पेडल अप यहाँ पे बचे हुए हैं, सो पेडल अप पे शॉट आ चुके हैं, यहाँ पे पेडल अप भी नॉक हो चुके हैं। सो टीम आईएनटी है जो टीम लॉर्ड यहाँ पे अकेले बचे हुए, सो टीम लॉर्ड अभिराज यहाँ पे अकेले बचे हुए, तो शायद वो गाड़ी लेके निकल जाएंगे या फिर ओके सो यहाँ पे उन्हें गाड़ी लेके निकलना ही होगा क्योंकि जोन का एडवांटेज लेना है और टॉप 10 में तो आना है, टॉप 16 में। सो यहाँ पे निकल चुके हैं लॉर्ड अभिराज, तो देखते हैं प्रिंस की स्क्वाड की फाइट होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे शार्क डेविल ने पेडलप को भी नॉक कर दिया, सो यहाँ पे फिनिश कर दिया, फुल फिनिश कर दिया। सो यहाँ पे प्रिंस की स्क्वाड की और शार्क डीमन की, शार्क की स्क्वाड की फाइट हो सकती है, जी नहीं शार्क की स्क्वाड थोड़ी सी दूर है। ओके सो यहाँ पे प्रिंस रवि, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो प्रिंस की स्क्वाड की, प्रिंस की स्क्वाड यहाँ पे लूटपाट कर रही है, जो नई टीम आई हुई है पिक करते हैं बैट की स्क्वाड को। सो बैट की स्क्वाड भी अभी भी यहाँ पे ही है पोचिंग की में, सो यार नॉक के साथ शायद उनका फाइट हो सकता है। सो यहाँ पे बैट की हेल्थ, बैट राउडी ओपी की हेल्थ यहाँ पे कम, सो बैंडेजेस पॉप इन करेंगे। सो बैट डिटॉक्स यहाँ पे भी लेके बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे लॉर्ड अभिराज ने प्रिंस टाइम को नॉकआउट कर दिया है, सो यहाँ पे लॉर्ड अभिराज की फाइट होगी जो अकेले बंदे बचे थे, और यहाँ पे प्रिंस अभी ने लॉर्ड अभिराज को फिनिश अप कर दिया। सो टीम आईएनटी इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। सो चलिए नॉक की स्क्वाड को देखते हैं। सो टीम नॉक और टीम बैर और टीम एलिट की यहाँ पे फाइट होना स्टार्ट हो सकती है। सो लेट्स सी, सो यहाँ पे सभी ने स्पेसिफिक कंपाउंड अपने अपने होल्ड कर लिए है, अपने घर भी होल्ड कर लिए। सो बैर राउडी ओपी ने बहुत ही बेहतरीन दो कंपाउंड होल्ड किए हैं जो दोनों साइड्स के, और यहाँ पे टीपीपी लेके बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे बाजू में ही बैट डेड बीएमबी की है, मॉली करने की कोशिश करेंगे टीम बैट के ऊपर। सो ईएमपी की स्क्वाड यहाँ पे मिलिट्री लूटते हुए बिना कोई ऑप्शन के, सो यहाँ पे 40-17 यूएनबी की फाइट हो सकती है टीम बैट के साथ। सो लेट्स सी, सभी टीम्स का फाइट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सभी टीम रशर को यहाँ पे स्पेक्टेट करते हैं। सो टीम ईएमपी एलीट टीम स्कल की ही है, लेकिन हम टीम ईएमपी एलीट बुलाते हैं। सो वो भी आज के मैच में खेलते हैं, तो इन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ही है, लेकिन लास्ट गेम में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो जाता है। सो टीम बी जो है टीम ओपी, शायद टीम ओपी यहाँ पे है। सो टीम ओपी का यहाँ पे पोक को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है जीवन हरिजन, जीवन हरिजन और जिला रशर। ओके सो ये टीम शायद अनरजिस्टर होगी। सो यहाँ पे पोक डी और डॉक्सी और पोक जैकरिन अभी भी है, यहाँ पे जीवन हरिजन यहाँ पे आगे पुशन कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होगा। यहाँ पे पो और यहाँ पे शायद उनका नेट प्रॉब्लम, नेट इशू हो गया। हाँ सो पो जैकरन यहाँ पे हेल्थ मार लिया उन्होंने पूरा, जीवन हरिजन थोड़ा थोड़ा आगे जाके, शायद पो डॉक्सी यहाँ पे सेकंड, सो इनकी फाइट होने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। सो बीस्ट की स्क्वाड को यहाँ पे स्पेक्टेट करते हैं, बीस्ट की स्क्वाड यहाँ पे टीपी भी लेके बैठी हुई है, उन्हें पता नहीं है शायद उनके पास टीम मॉडिफाइड हंगर है। तो यहाँ पे स्काई की स्क्वाड जो है और यहाँ पे ऋतिक बोरा अकेले खेलते हुए, सो यहाँ पे टीम स्काई जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ ऋतिक बोरा से होगा क्योंकि वो कैम करके बैठेंगे। और यहाँ पे जीवन हरिजन ने पो को नॉकआउट कर दिया है, सो यहाँ पे पोक का एक बंदा नॉकआउट है, डॉक्स यहाँ पे शायद जीवन हरिजन ने डॉक्सी को भी स्पॉट आउट कर लिया है, जी नहीं यहाँ पे वो आगे पोशन कर रहे हैं। पीछे से ही स्कल की टीम आ चुकी है, टीम स्कल टीम विजय, और यहाँ पे डॉक्सी थोड़े से स्प्रे के लिए बच चुके थे, नहीं तो ये फुल फिनिश हो जाते और टीम पोक एलिमिनेट होती। और यहाँ पे पोक जिक्र को फुल फिनिश कर दिया जीवन हरिजन आगे पोशन करते हुए, जिला रशर भी यहाँ पे कवर देते हुए अपने टीममेट्स को।
और यहाँ पे जीवन हरिजन ने को ये कर दिया। सो आरो जोक्स्टा और बैट की टीम की फाइट होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे बैट जीरो नॉकआउट है, बैट डिटॉक्स यहाँ पे नॉकआउट है। सो यहाँ पे बैट जीरो भी नॉकआउट है, बैट राउडी ओपी अकेले बचे हुए अपने टीम से। आरो जोक्स्टा ने फुल फिनिश कर दिया है अपनी टीम को, बैट राउडी ओपी अकेले बचे हुए। और यहाँ पे बैट जीरो को रिवाइव दिया जाएगा। पीछे से ही बैट की स्क्वाड आती हुई, टीम बैट एलिट और आरो जोक्स्टा आगे पुशिंग करते हुए, शायद वो पुशिंग करेंगे लेकिन पीछे से टीटीपी देते हुए बैट की स्क्वाड, बैट एलिट है जो। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बैट टीम बैट को। सो टीम राउडी ओपी यहाँ पे टीपी भी लेते हुए शायद एक जन को नॉक कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम इन्हें इनका सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे पीछे से ही बाहर की स्क्वाड आते हुए, टीम नॉक, टीम आरो जोकता है यहाँ पे। और यहाँ पे पोक डॉक्सी ने जिला रसल को नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे टीम राहुल ओपी नॉक राहुल, टीम नॉक राहुल और टीम बैट शायद आगे क्वेश्चन करेंगे। सो टीम बैट एलिट यहाँ पे थोड़ा सा आगे पोशन कर रहा है और यहाँ पे पोक डॉक्सी को नॉकआउट कर दिया। सो यहाँ पे और यहाँ पे जिला रशर भी नॉकआउट है। सो यहाँ पे टीम पोक एलिमिनेट हो चुकी है इस मैच से। सो यहाँ पे पीछे से ही टीम नॉक नॉक भी आगे अंदर धीरे धीरे पोशन कर रही है। और यहाँ पे स्काई करण शाह डीवे ने यहाँ पे माधव को नॉक कर दिया है। सो यहाँ पे टीम यहाँ पे सभी नॉक हो रही है और नेड़ आता हुआ। और यहाँ पे गॉबलिन ने नॉक कर दिया शार्क डेविल को। तो ये मैच के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, फिर भी लेट्स सी गाइस। तीन टीम्स है, तीन टीम्स अगर आगे पुशिंग करेगी तो बहुत ही बेहतरीन मैच होगा ये। सब डेथ बीएमबी आगे पुशिंग कर रहा है, अंदर ही कर्स की स्कोर है, ऊपर ही आरो जोक्सा, शायद आरो जोक्सा को शायद नॉक हो सकता है। नहीं तो 69 एम्पायर को नॉकआउट कर दिया, 69 एम्पायर को मोनी ने फिनिश कर दिया है। यहाँ पे डीएच चार्जर, यहाँ पे मोनी यहाँ पे प्ले जोन से नॉक हो चुके हैं। और यहाँ पे गैरी शायद अकेले बचे हुए, और गैरी गैरी नहीं जी नहीं गैरी और 69 माइक्रो पीछे से है कवर है। यहाँ पे मोनू को रिवाइव दिया जाएगा बाई ओ एच चाचा। और यहाँ पे गैरी को, गैरी ने जो नॉक किया है मोनू चाचा को, और दोनों फुल फिनिश हो जाएंगे कि ओपी माफिया तो बहुत ही पीछे है। सो यहाँ पे बैड डीमन यहाँ पे टीपीपी लेते हुए बैठे हैं। सो यहाँ पे टीम नॉक नॉक की स्क्वाड की शायद टीम बैड और टीम बैड एलीट से फाइट हो सकती है। सो टीम यूएनबी को देखते हैं जी। टीम यूएनबी भी यहाँ पे मिल्टा के साइड ही है, शायद ड्रॉप मंगाया है टीम यूएनबी ने। टीम ड्रैग, ड्रैग के आदित्य शेट्टी भी यहाँ पे। सभी टीम यहाँ पे जोन के अंदर मूविंग हो ही रही है। और यहाँ पे शायद स्टार की टीम के पास ऑम है, जाट सचिन को, और बैट डीएम, बैट डीएमबी ने आरो जोक्सा को फुल फिनिश कर दिया है। दे रहे हैं बैट डेथ को, उनकी हेल्थ बहुत ही कम है लेकिन बैट की स्क्वाड आगे क्वेश्चन करिए। तो बैट की स्क्वाड नॉक की स्क्वाड आगे क्वेश्चन करिए। तो बैट डेथ डीएमबी के अंदर विशेष से वो बैटिंग स्टॉपिंग करेंगे और उन्हें जोन के अंदर मूवमेंट होना पड़ेगा। बैट टीम बैट अभी भी काम करके बैठी हुई है, ओपी माफिया ने खुद को डुबा दिया। वैसे रितेश ने मॉडिफाइड जी को नॉकआउट कर दिया। और यहाँ पे बैट डेथ डीएमबी को नॉकआउट कर दिया है, नॉक राउंड पीछे आता हुआ बैट वन टू द स्पॉट। और यहाँ पे बैट बैट और यहाँ पे एलीट है जो, उनकी स्क्वाड को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पीछे से ही बैट जीरो आते हुए बेहतरीन बेहतरीन क्या बोलते हैं उसको,
रुकना बोलते से थर्ड पार्टी जाते थे और आते हुए पीछे से बैड राउडी ओपी। और बैट जीरो भी यहाँ से नॉक। सो टीम नॉक ने बहुत ही शानदार खेला, बैट की दोनों टीम को फुल फिनिश कर दिया। सो टीम बैट और टीम बैट एलीट यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके। सो टीम यूएनबी की स्क्वाड की फाइट हो रही है और अब टीम यूएनबी कामेज को रिवाइव दिया जा रहा है। तो अब शायद टीम की फाइट हो गई थी तो टीम सिंह से बैट सचिन की फाइट भी हो रही है। सो यहाँ पे सभी टीम्स की फाइट होना स्टार्ट हो चुकी है। टीम्स का यहाँ पे आगे पोषण करते हुए इसी रुद्रा ने यहाँ पे प्रिंस माई को नॉकआउट कर दिया है। तो ई रुद्रा ने यहाँ पे नॉक किया था और शायद फिनिश अप कर दिया है। सो बहुत सारी टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, फिर भी 45 टीम 45 बंदे अभी भी अलाइव है। लेट्स सी सभी टीम यहाँ पे जोन के अंदर मूव इन हो चुकी है। इंस्टेंट तेजस इज प्लेइंग, लेट मी चेक। नहीं, टीम इंस्टेंट आ जाई नहीं है, टीम इंस्टेंट को भी एक बैन दिया जाएगा। सो यहाँ पे ईएमपी की स्क्वाड जो है टीम ईएमपी एलीट यहाँ पे आगे घुस चुकी है। टीम आज जो है टीम ओपी ऑफ लेजेंड पे है। तो लेट्स सी टीम एट यहाँ पे क्या कर रही है। और पीछे से ही आता हुआ ओके नहीं जी नहीं और ई रुद्रा का स्क्वाड है यहाँ पे। और यहाँ पे बेहतरीन कार 90 का शॉट अक्षर रितेश दिया है D3 किलर को। अब इस कल की टीम आगे पुशिंग कर रही है और यहाँ पे जोन बन चुका है पाम मिल्टा के साइड। तो सभी टीम यहाँ पे जोन के अंदर मूव इन कर चुकी है सिवाय टीम 20 के, वो भी जल्दी जल्दी कर रही है। सो सभी और यहाँ पे रहता है अक्षर रुपेश नीड कर रहा है और वो नीड थोड़ी के लिए छूट गया। सो टीम ईएमपी ने यहाँ पे ईएमपी एलीट ने यहाँ पे घेर लिया है पूरी तरह से टीम ओपी को। लेट्स सी तो ई रुद्र यहाँ पे नेड करेंगे। पीछे से ही जोन आ रहा है, यहाँ पे उन्हें जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। सो यहाँ पे टीम नॉक नॉक ने यहाँ पे आयल मिल्टन को नॉक कर दिया है। सो यहाँ पे लेट्स सी सो आर लेटिन यहाँ पे नॉक है टीम नॉक।
फर्स्ट 20 फुल फिनिश हो चुके। सो यहाँ पे टीम नॉक नॉक फुल फिनिश हो चुकी है बाय दो टीम्स। सो थर्ड पार्टी हो गई थी टीम नॉक नॉक, और यहाँ पे 69 की टीम की फाइट हो सकती है टीम डेमी गॉड्स के साथ। यहाँ पे टीम डेमिगॉड्स यहाँ पे आगे पुशिंग कर रही है क्योंकि आर एन एल्टन यहाँ पे नॉकआउट है, उन्हें रिवाइव देना पड़ेगा। उधर ही 47 सेकंड्स काई कुनाल की यहाँ पे फाइट हो गई, ना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे स्काई कुनाल भी नॉकआउट है और टीम यूएनबी के एक बंदे भी नॉकआउट है। सो दोनों टीम में से एक एक बंदे नॉक है, सो उन्हें रिवाइव तो दिया जाएगा। स्काई कुनाल को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है रिवाइव के लिए क्योंकि स्प्रे अगर अच्छा हो और उन्हें 1 HP कर दिया है। और यहाँ पे ईएमपी विशाल, तो ईएमपी की स्कोर यहाँ पे पीछे से आती हुई ईएमपी विशाल यहाँ पे। और यहाँ पे टीम यूएनबी ने स्काई वीरू को भी नॉक कर दिया, तो स्काई वीरू भी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो रही है। सिंह कुनाल यहाँ पे स्काई वीरू को रिवाइव दे रहे हैं। ईएमपी प्रेडेटर ने यहाँ पे नॉक किया है स्काई की स्क्वाड को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और या फिर ईएमपी की स्क्वाड को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है भाई। दोनों टीम जो है टीम स्काई और टीम डेमिगॉड्स, टीम डेमिगॉड्स ने लेट्स सी और यहाँ पे बचते हुए, लेकिन ईएमपी प्रेडेटर की हेल्प बहुत ही कम हो चुकी है। टीम डेमिगॉड्स भी यहाँ पे मूविंग हो रही है। और यहाँ पे योड़ा बॉट किलर ने बेहतरीन F4 हॉकाई को नॉक किया है। और यहाँ पे ईएमपी विशाल स्काई की टीम पे घुस चुकी है, और ईएमपी विशाल ने स्काई लॉर्ड को भी फिनिश अप कर दिया है, नॉक कर दिया है। सो ईएमपी सिंह कुनाल यहाँ पे अकेले बचे हुए हैं। बैट पे घुस के मारे और ईएमपी प्रेडेटर आर्विन पे, लेकिन बच गए। सो सिंह कुनाल यहाँ पे अकेले बचे हुए हैं, उनकी भी हेल्थ बहुत ही कम है। और यहाँ पे नेड आता हुआ, लेकिन बच चुके हैं नेड से। 69 वुल्फ ने अपने को ही उड़ा दिया। सो ये क्या हो गया भाई। और यहाँ पे पीछे से ही थर्ड पार्टी करते हुए टीम यूएनबी, सो काई टीम को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे टीम यूएनबी ने स्काई की कुनाल अभी भी बचे, सो वो पीछे से जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे फिर जाते हुए, लेकिन ले लिया है स्काई की टीम का D3 के लिए। यहाँ पे इसका लामन को नॉकआउट कर दिया। सो लेट्स सी, सो रिपर रियो भी यहाँ पे नॉकआउट है। ए रुद्रक की हेल्थ भी कम है, सो यहाँ पे नॉकआउट है। EMP को भी नॉकआउट कर दिया। सो डीपी
का फुल सपोर्ट है पीछे देश को भी खत्म कर दिया अनिकेश को भी फिनिश कर दिया है DP150204 ने बेहतरीन गेम प्ले। ऋतिक बोरा अभी भी अकेले ग्यारी भी पीछे से ग्यारी की स्क्वाड की भी फाइट हो चुकी है बाय 69। और पीछे से ही जोन आता हुआ सो इन टीम्स को भी जोन के अंदर मूविंग होना है। सभी टीम यहाँ पे जोन के अंदर मूविंग हो रही है। यहाँ पे योरा बॉट के लगे ईएम भी प्रेडेटर को नॉक कर दिया है। यहाँ पे उन्हें रिवाइव मिल जाएगा। योरा बॉट के लगी स्नाइपिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। ईएम भी प्रेडेटर की स्नाइपिंग बहुत ही बेहतरीन है। लेट्स सी गाइस क्या होगा। और यहाँ पे चुके हैं लेट्स सी गाइस क्या होगा। और यहाँ पे बेहतरीन ओम का शॉट मारा है योड़ा बॉट किलर ने। शायद यहाँ पे रंडर हो रहा है पीछे से ही स्क्वाड आ रही है। और यहाँ पे योड़ा बॉट किलर आगे पुशिंग कर रहे हैं टीम इमॉर्टल पे। लेट्स सी गाइस क्या होगा। और यहाँ पे योड़ा बॉट किलर ने बेहतरीन नॉक था। ये बेहतरीन नॉक था। आज फुल फॉर्म में है योड़ा बॉट किलर। टीम यूएन भी यहाँ पे आगे पुशिंग कर रही है। सो यहाँ पे पीछे से ही जाएगी टीम इमॉर्टल की। यहाँ पे इमॉर्टल क्यूरी की हेल्थ बहुत ही कम है। 45 से पीछे से आते हुए पीछे से कवर देंगे और यहाँ पे फिनिश कर दिया इमॉर्टल फ्यूरी। यहाँ पे बचे हुए और F4 हॉक है। सो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेशन दिखा रही है टीम यूएन भी बेहतरीन गेम प्ले दिखा रही है बाय टीम यूएन भी। सो यहाँ पे जोन बन चुका है ईएमपी के ऊपर और यहाँ से पीछे की स्क्वाड आती हुई लेट्स सी अधिकतर ड्रैग की स्क्वाड यहाँ पे ड्रैग की स्क्वाड और यहाँ पे टीम डेनी बॉट ने यहाँ पे फिनिश अप कर दिया। रिपोर्ट ये यहाँ पे आगे फिनिश कर दिया। यहाँ पे ड्रैग वगैरह AK-47 एक टीम मॉडिफाइड टीम डेमीगॉड्स को फिनिश कर दिया। सो यहाँ पे अब AK-47 की अब शायद दूसरी टीम ने भी यहाँ पे हल्ला बोल दिया है। सो यहाँ पे वेनम आल्विन शॉट दे रहा है 69 की टीम के ऊपर। बेहतरीन रिज है ईएमपी के स्क्वाड के पास। की टीम आगे पसंद कर रही है और यहाँ पे ये भी विशाल की टीम भी फाइट हो चुकी है ब्लैक की स्क्वाड के ऊपर। और यहाँ पे ब्लैक की यहाँ पे 69 माइक्रो यहाँ पे। और यहाँ पे यस योड़ा बॉट किलर ने मॉडिफाइड सोनू को भी नॉक कर दिया लेकिन योड़ा बॉट किलर यहाँ पे फर्स्ट रुद्रा यहाँ पे आ चुके लेकिन जोन से चली जाएगी। तो बहुत योड़ा की टीम यूएन भी यहाँ पे आजकल आज के मैच में बहुत ही बेहतरीन डोमिनेशन दिखा रही है। और ईएमपी प्रेडेटर यहाँ पे ग्यारी ने ईएमपी प्रेडेटर को नॉक किया। 69 माइक्रो भी है तो शायद
एमपी प्रेडर को फुल फिनिश डाल दिया है बाय टीम 69। और यहाँ पे जोन बन चुका है टीम यूएनबी के ऊपर, टीम यूएनबी को चांसेस है जीतने का। तो लेट्स सी ईएमबी विशाल यहाँ पे, और यहाँ पे 69 माइक्रो क्या है ईएमपी विशाल ने, यार ये अकेले बचे। सो यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, लेकिन जोन का जोन जाना पड़ेगा क्योंकि जोन यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका है। बट गाइस टीम ऑफ ने बहुत ही बेहतरीन खेला है, टीम बैग ने दोनों ने ये किया था, लेकिन नॉक ऑफ ने जो स्ट्रैटेजी और ये किया उस मानना पड़ेगा। यहाँ पे टीम गैरी ने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, बाहर जा चुके हैं। 69 माइक्रो बी की हेल्थ भी बहुत ही कम है और यहाँ पे 69 माइक्रो बी जोन से जा चुके हैं। यहाँ पे योडक की टीम बची हुई है, शार्क की टीम, शार्क डीमन यहाँ पे बची हुई है, ईएमबी की स्क्वाड यहाँ पे बची हुई है। सो ईएमबी और टीम योड़ा की फाइट, टीम यूएनबी की फाइट हो सकती है आज। यूएनबी फुल डोमिनेशन में बेहतरीन, ईएमबी विशाल यहाँ पे। सो यहाँ पे टीम यूएनबी को बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है क्योंकि, लेकिन जोन उनके ऊपर नहीं बन चुका है, जोन उनके ऊपर नहीं बन चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे विशाल यहाँ पे शॉट दे रहे हैं, यहाँ पे ईएमपी की टीम को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे शार्क डीमन भी है और यहाँ पे योड़ा बॉट किलर आगे पुशन मार चुके हैं और यहाँ पे शार्क डीमन, शार्क की टीम भी एलिमिनेट हो चुकी है। तो वेन मैगन की शॉट आते हुए और यहाँ पे योड़ा बॉट किलर ने वेनम एल्विन को नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे योड़ा बॉट किलर भी फुल फॉर्म में आज, और यहाँ पे नेड करते हुए योड़ा बॉट किलर से। यहाँ पे ईएमबी की टीम को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि टीम यूएनबी जोन के अंदर मूव इन हो चुकी है, लेकिन टीम ईएमबी अभी भी जोन के अंदर मूव इन होना बाकी है। और यहाँ पे योड़ा बॉट और यहाँ पे ईएमबी विशाल को भी नॉक कर दिया 47 सिकिल ने। सो डेविस अकेले बचे हुए, सो यहाँ पे टीम यूएनबी आगे पुशन करती हुई। सो लेट्स सी क्या डेविस कर पाएंगे और यहाँ पे नहीं कर पाए। सो टीम यूएनबी ने बहुत ही बेहतरीन डोमिनेशन दिखाया है इस गेम में और बहुत बेहतरीन फ्लैंक्स मारे, बेहतरीन रोटेट्स मारे। सो गाइस फॉर मोर कस्टम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।